DMLT एंड DRT स्टूडेंट्स। आज किस पे डिस्कस करेंगे कि टुडे लेक्चर ऑन कंटिन्यूअल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी कल जो आपने लेक्चर पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की स्टेप, उसी को क्या है कंटिन्यू करेंगे कि उसकी थ्योरी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पिछला लेक्चर किस पे था, स्टेप्स ऑफ हीम सिंथेसिस के ऊपर, तो उसको एक बार क्या है रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि क्या कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन से हैं, जैसे यूरोपोरफायरिन, कोप्रोपोरफायरिन और प्रोटोपोरफायरिन। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या था, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन या हीम प्लस में प्रोटीन, कि हीमोग्लोबिन के प्रोटीन के साथ अटैच होने पर और कौन से कंपाउंड है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर काम में आते हैं। तो इसके अंदर पहला कंपाउंड है हीमोग्लोबिन, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। यानी हीमोग्लोबिन का काम क्या है, पहला कंपाउंड है हीम, जब प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो क्या है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा कंपाउंड क्या है, मायोग्लोबिन, जो क्या काम करता है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करता है। नेक्स्ट साइटोक्रोम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ETC। साइटोक्रोम का काम क्या है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यानी एनर्जी फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी को जो ट्रांसपोर्ट करते करने का जो सिस्टम है उसके अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट है, साइटोक्रोम की। नेक्स्ट क्या है, कैटलेज एंजाइम। तो डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या है तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिप्टोफेन पायरोल, यानी पायरोल रिंग जब ट्रिप्टोफेन के साथ अटैच होती है तो क्या करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन, यानी ट्रिप्टोफेन का ऑक्सीडेशन करती है। नेक्स्ट क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ हीम, यानी सिंथेसिस इन ऑलमोस्ट सेल टिश्यू इन द बॉडी एक्सेप्ट इन मैच्योर एरिथ्रोसाइट। यानी क्या है कि हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो सभी सेल्स के अंदर चलता है, टिश्यू के अंदर चलता है, बॉडी के अंदर एक्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा मैच्योर एरिथ्रोसाइट, यानी मैच्योर आरबीसी के अलावा, परिपक्व आरबीसी के अलावा सभी सेल्स में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस चलता है। नेक्स्ट, 85% इन एरिथ्रोइड प्रोसीजर सेल इन बोन मैरो, यानी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो किस में चलता है, एरिथ्रोइड प्रोसीजर सेल में, यानी जब आरबीसी का डेवलपमेंट हो रहा है उन सेल्स के अंदर, कौन सी जगह, बोन मैरो के अंदर। एंड 50% इन हिपेटो सेल इन द लीवर, और जो बचा हुआ 15% है वो किसके अंदर हो रहा है, लीवर के अंदर। नेक्स्ट, स्मॉल ऑर्गन, यानी छोटे ऑर्गन कौन से इन्वॉल्वमेंट है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में, तो पार्शियली इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से ऑर्गन है सेल के, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस में ग्लाइसिन, ये दोनों ही क्या है स्टार्टिंग मटेरियल है किसके लिए, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ हीम सिंथेसिस, यानी हीम सिंथेसिस के स्टेप्स कौन से, कितने स्टेप्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, तो कैन बी डिवाइडेड इन 4 स्टेप, यानी हीम सिंथेसिस को चार मेजर स्टेप में डिवाइड किया गया, उसको विभाजित किया गया है। तो पहला स्टेप क्या है, सिंथेसिस ऑफ PBG, यानी पोर्फोबिलिनोजन। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कहां तक डिवाइड किया गया है, कि सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन मिलके वो स्टेप वहां से शुरू होके और पोर्फोबिलिनोजन तक जब बनता है वो क्या है, पहला स्टेप है, जहां तक क्या बनती है, मोनोपायरोल, यानी सिंगल एक पायरोल रिंग। नेक्स्ट, दूसरा स्टेप क्या है, सिंथेसिस ऑफ यूरोपोरफायरिनोजन, यानी पोर्फोबिलिनोजन से पोर्फोबिलिनोजन हाइड्रोक्सीमिथाइल बाइलिन में कन्वर्ट होके यूरोपोरफायरिनोजन तक जब बनता है वो स्टेप कौन सा है, दूसरे स्टेप में डिवाइड किया गया वो प्रोसीजर, ये क्या है, टेट्रा पायरोल। यहां तक क्या है, 4 पायरोल की रिंग बन जाती है। नेक्स्ट है तीसरा, कन्वर्जन ऑफ यूरोपोरफायरिनोजन टू प्रोटोपोरफायरिनोजन, यानी यूरोपोरफायरिनोजन से जब प्रोटोपोरफायरिनोजन में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में जो प्रोसीजर कंप्लीट होता है वो स्टेप कौन सा है, तीसरा। और फिर चौथा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हीम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, यानी क्या है, पायरोल रिंग के अंदर जब हीमोग्लोबिन यानी आयरन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है, चौथा स्टेप,
हीम बन जाता है, और हीम के साथ में जब ग्लोबुलिन प्रोटीन बन जाती है, जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है, तो क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स कौन से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर, तो आज के लेक्चर में इन्हीं स्टेप्स की क्या है, थियोरी है। तो सबसे पहला देखिए कि सबसे पहले किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सक्सिनाइल को एंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन किसमें कन्वर्ट होते हैं, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज। फिर डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड यहां पे आ जाता है, बाहर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, जिसके बाद दो मॉलिक्यूल डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड के इकट्ठे होके किसमें कन्वर्ट होते हैं, पोर्फोबिलिनोजन में, जो क्या है, एक मोनोपायरोल है, सिंगल पायरोल रिंग है, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेड। फिर पोर्फोबिलिनोजन तक जब बन जाता है सक्सिनाइल को एंजाइम से, पोर्फोबिलिनोजन तक कन्वर्जन का जो स्टेप है वो क्या है, स्टेप पर। फिर पोर्फोबिलिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलीन में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, पोर्फोबिलिनोजन डी एमाइनेज, यानी एक जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो यहां पे बाहर निकल जाता है। फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलीन किसमें कन्वर्ट होता है, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड में, कुछ में फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, कई स्टेप्स में थर्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड कोसिंथेसिस, आप इसको फर्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड में कन्वर्ट किया गया है। यहां तक जो स्टेप है, यानी पोर्फोबिलिनोजन से यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड तक बनने का जो स्टेप है वो कौन सा है, स्टेप सेकंड है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का। फिर यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, यूरोपोरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो क्या निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा। फिर क्या है, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूरोपोरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। फिर कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड जो है वो किसमें चला जाता है, वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। यहां पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड किसमें कन्वर्ट होता है, फिर प्रोटोपोरफाइरिनोजन एट के अंदर, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज। फिर प्रोटोपोरफाइरिनोजन एट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफाइरिन नाइन के अंदर, जिसके लिए एंजाइम काम में आता है, प्रोटोपोरफाइरिन ऑक्सीडेज। यहां तक का जो स्टेप है, यानी कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड से प्रोटोपोरफाइरिन नाइन तक बनने का जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप है, स्टेप थर्ड। फिर क्या है, यानी पोरफाइरिन के साथ क्या अटैच हो जाता है, आयरन का मोलिक्यूल, जिसके लिए एंजाइम कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, फेरोचिलिटेज, जिसके बाद जब पोरफाइरिन में आयरन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो क्या फॉर्म हो जाता है, हीम। और हीम के साथ जब क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन अटैच हो जाती है तो क्या बन जाता है, हीम प्लस में ग्लोबुलिन, यानी हीमोग्लोबुलिन। हीम का तो 5% पोर्शन होता है और 95% पोर्शन किसका होता है, ग्लोबुलिन का। नेक्स्ट वही है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की, ग्लाइसिन प्लस में सक्सिनाइल को एंजाइम में मिलके क्या बनाते हैं, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। फिर डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोर्फोबिलिनोजन में, पोर्फोबिलिनोजन फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलिन में, और हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलिन फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यूरोपोरफाइरिनोजन में, और यूरोपोरफाइरिनोजन फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन में, और कोप्रोपोरफाइरिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोपोरफाइरिनोजन में, और प्रोटोपोरफाइरिनोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटोपोरफाइरिन में। फिर आयरन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है फेरोसिलिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और क्या बन जाता है, हीम बन जाता है। नेक्स्ट के स्मॉल ऑर्गन, आपने दो ऑर्गन के नाम लिखे थे, एक तो साइड में क्या दिखाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या है, बाहर की तरफ जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखिए कि ग्लाइसिन प्लस में सक्सिनाइल को एंजाइम में क्या फॉर्म करें, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। एंजाइम कौन सा काम में आता है, अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज। जब डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड फिर क्या है, किसमें आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। जब दो मॉलिक्यूल डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड के एक साथ इकट्ठे होते हैं फिर वो क्या बनाते हैं, पोर्फोबिलिनोजन। एंजाइम कौन सा काम में आता है, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेड। फिर चार मॉलिक्यूल पोर्फोबिलिनोजन के इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलिन, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है,
डीएमआईनेज या हाइड्रोक्सी मेथाइल वायलिन फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड को सिंथेज। ये सारे प्रोसीजर कहां पे चलते हैं, साइटोप्लाज्म में। फिर यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड में, जिसके लिए एंजाइम क्या काम में आ रहा है, यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सीलेज। फिर यहां से स्टेप वापिस चेंज होती है, कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड जो है वो किस में चला जाता है आगे, प्रोटोपोरफायरिनोजन थर्ड के अंदर, जो आगे ऑर्गन कौन सा आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर प्रोटोपोरफायरिनोजन थर्ड किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिन, जिसके लिए एंजाइम काम में आता है ऑक्सीडेज। और फिर क्या है, प्रोटोपोरफायरिन के साथ क्या है, हीमोग्लोबिन, आयरन का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। आयरन का मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद क्या बन जाती है, हीम। सबसे पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, फिर डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड से लेके कोप्रोपोरफायरिनोजन तक का जो स्टेप है वो किस में चलता है, साइटोप्लाज्म में। और फिर कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड से लेके और हीम सिंथेसिस तक का जो स्टेप है वो किस में चलता है आगे वापिस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का चार्ट, और आज के लेक्चर में क्या है, उसी चार्ट की क्या है, थ्योरी है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट ऑफ हीम सिंथेसिस, जिसके अंदर क्या हुआ था कि सिंथेसिस ऑफ पीबीजी यानी पोर्फोबिलिनोजन का सिंथेसिस। तो पहला एंजाइम क्या काम में आया था, एएलए सिंथेज यानी एमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज, जिसके अंदर क्या हुआ था कि सक्सिनाइल को एंजाइम ए एंड ग्लाइसिन कंबाइन टू फॉर्म, यानी सक्सिनाइल को एंजाइम ए और ग्लाइसिन के जो मॉलिक्यूल है वो दोनों एक साथ जुड़ के क्या बना रहे थे, फॉर्म यानी बनाना क्या बनाते हैं, डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड बनाते हैं। यही देखा था आपने फर्स्ट स्टेप में कि सक्सिनाइल को एंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बना लेते हैं, डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड। फिर वो बाद में क्या है, ट्रांसफर हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्या है, इन दिस रिएक्शन ALA synthase यानी amino linoleic acid synthase enzyme is used and this reaction type is decarboxylated या decarboxylate, यानी इस रिएक्शन के अंदर तो succinyl coenzyme A plus में glycine delta amino linoleic acid form कर रहे हैं, उस रिएक्शन के अंदर ALA synthase enzyme तो काम में आता है, और in this reaction type of decarboxylated, और इस रिएक्शन का जो टाइप है वो कैसा है, डीकार्बोक्सीलेटेड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या है इसमें, बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, सिंथेज ऑफ एएलए यानी एमाइनो लिवोलिनिक एसिड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो यानी एमाइनो लिवोलिनिक एसिड बनने का जो प्रोसीजर है वो कौन से ऑर्गन में, स्मॉल ऑर्गन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर नीचे क्या है, रिएक्शन दिखाई गई है कि जिसमें ग्लाइसिन प्लस में सक्सिनाइल कोएंजाइम में मिलते हैं वो क्या बना लेते हैं, डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड प्लस में कार्बन डाई ऑक्साइड और क्या है, कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि सिंथेसिस ऑफ पोर्फोबिलिनोजन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, जिसके लिए एंजाइम काम में आता है एएलए सिंथेस, जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाते हैं, डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड, और इस रिएक्शन के अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, एएलए सिंथेस, और इस रिएक्शन का टाइप कैसा है, डीकार्बोक्सीलेटेड। और जो एमाइनो लियोलिनिक एसिड बनने का जो प्रोसीजर है वो स्टेप किसके, कौन से ऑर्गन के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोरफायरिनोजन यानी फॉर्मेशन ऑफ पोर्फोबिलिनोजन, अगर ये गलत लिखा हो, फॉर्मेशन ऑफ पोर्फोबिलिनोजन, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, यानी यह जब पोर्फोबिलिनोजन बनता है डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड से तो वो रिएक्शन किस में चलती है, आपने देखा था साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक के मॉलिक्यूल दो किस में आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल के। नेक्स्ट, द डिहाइड्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ एएलए यानी अमाइनो लिवोलिनिक एसिड टू फॉर्म पोर्फोबिलिनोजन बाय द एंजाइम एएलए डिहाइड्रेटेड, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है किसका, दो मॉलिक्यूल का, कौन से दो मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल्स डेल्टा एमाइनो लिनोलिनिक एसिड के, जो फॉर्म क्या करते हैं, पोर्फोबिलिनोजन फॉर्म करते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, एएलए डिहाइड्रेटेड। नेक्स्ट क्या है, द एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय हैवी मेटल मेटल आयन लेड, यानी ये जो रिएक्शन है, ये एंजाइम है जो एएलए डिहाइड्रेटेज, वो क्या है, इनहिबिट हो जाता है, यानी उसको क्या है, रोक सकता है काम करने से, उसको दबा सकता है कौन, लेड नाम का जो मेटल है, यानी पीबी जो धातु है लेड, वो अगर आ जाए उसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि अमाइनो लिवोलिनिक एसिड से पोर्फोबिलिनोजन बनने की जो प्रोसीजर है वो क्या हो सकती है, स्टेप हो सकती है। नीचे क्या है इक्वेशन, जिसमें क्या है, दो मॉलिक्यूल है डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड के, जो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, पोर्फोबिलिनोजन में, और प्लस में क्या दिखा रहा है, H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें दो मॉलिक्यूल किसके इकट्ठे होते हैं, डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड के, जो किसमें कन्वर्ट होते हैं, पोर्फोबिलिनोजन में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, एएलए डिहाइड्रेटेज। तो आपने स्टेप फर्स्ट क्या है, कंप्लीट कर लिया, यानी सक्सिनाइल को एंजाइम प्लस ग्लाइसिन से लेके पोर्फोबिलिनोजन फॉर्म कर लिया। स्टेप सेकेंड ऑफ हीम सिंथेसिस, यानी दूसरे स्टेप में आपको क्या बनाना है, सिंथेसिस ऑफ यूरोपोरफाइरिनोजन, यानी यूरोपोरफाइरिनोजन बनाना है। नेक्स्ट क्या है, फोर मॉलिक्यूल ऑफ पोर्फोविलिनोजन कंबाइन टू फॉर्म ए लाइनर टेट्रा पायरोल हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन, यानी क्या है कि चार मॉलिक्यूल किसके, पोर्फोविलिनोजन के, एक साथ अटैच होंगे और वो क्या बनाएंगे, एक लाइनर टेट्रा पायरोल बनाएंगे, यानी चार पायरोल रिंग अटैच होंगी किसके साथ, हाइड्रोक्सी मिथाइल यानी हाइड्रोक्सी यानी मिथाइलिन ब्रिज के साथ चारों पायरोल रिंग अटैच हो जाएंगी और फॉर्म क्या कर लेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पीबीजी डी एमाइनेज एंजाइम, यानी पोर्फोबिलिनोजन डी एमाइनेज एंजाइम के द्वारा ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, फोर मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया इज रिलीज, यानी इस रिएक्शन, ये रिएक्शन कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और इस रिएक्शन के अंदर यानी पोर्फोबिलिनोजन से जब हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन बनता है साइटोप्लाज्म में, तब क्या होता है, चार मॉलिक्यूल अमोनिया के बाहर निकल जाते हैं, NH3 के चार मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले कि चार मॉलिक्यूल की सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, कि चार मॉलिक्यूल पोर्फोबिलिनोजन के मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन बनाते हैं, जिसके लिए एंजाइम काम में आता है, पोर्फोबिलिनोजन डी एमाइनेज एंजाइम काम में आता है, और ये रिएक्शन किस में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और अमोनिया के मॉलिक्यूल चार इससे बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोपोरफाइरिनोजन फर्स्ट बाय हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन सिंथेज एंजाइम, यानी नेक्स्ट क्या होगा, जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन आपने बनाया है पोर्फोबिलिनोजन से, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरोपोरफाइरिनोजन फर्स्ट के अंदर, और यूरोपोरफाइरिनोजन फर्स्ट के अंदर वो एंजाइम कौन सा काम में आता है उसको कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन सिंथेज एंजाइम। नेक्स्ट क्या है, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड कोसिंथेज, यानी यूरोपोरफाइरिनोजन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड बाय द एंजाइम यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड कोसिंथेज एंजाइम, यानी फिर क्या होता है कि यूरोपोरफाइरिनोजन जो फर्स्ट है वो किसमें कन्वर्ट होता है, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड के अंदर, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड कोसिंथेज एंजाइम काम में आता है। तो सिंथेसिस ऑफ यूरोपोरफाइरिनोजन में सबसे पहले क्या होता है कि पोर्फोबिलिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलिन में या बिलिनोजन में, फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है, यूरोपोरफाइरिनोजन फर्स्ट में, और फिर यूरोपोरफाइरिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्या है, स्टेप थर्ड, कन्वर्जन ऑफ यूरोपोरफाइरिनोजन टू प्रोटोपोरफाइरिनोजन, यानी सबसे पहले स्टेप कौन सी थी आपकी, कि सबसे पहले स्टेप में तो आपने पोर्फोबिलिनोजन बनाया, सेकंड में यूरोपोरफाइरिनोजन बनाया, और थर्ड में क्या बनाओगे आप, यूरोपोरफाइरिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोपोरफाइरिनोजन में। तो इसमें सबसे पहले देखिए,
यूरोपोरफायरिन ओजोन थर्ड कन्वर्टेड इनटू कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड बाय डीकार्बोक्सिलेट एंजाइम बाय ऑल द एसीटेट विच चेंज दैट मिथाइल। यानी क्या होता है कि यूरोपोरफायरिन ओजोन थर्ड के अंदर तो क्या होता है एसीटेट प्रेजेंट होता है आपको पता है, तो यूरोपोरफायरिन ओजोन थर्ड इज कन्वर्टेड इनटू कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले यूरोपोरफायरिन ओजोन थर्ड किसमें कन्वर्ट होगा, कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड में कन्वर्ट होगा। एंजाइम कौन सा काम में आएगा, बाय डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, और डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आएगा बाय ऑल द एसीटेट। यानी इस एंजाइम के द्वारा क्या चेंजेस होंगे, जो एसीटेट सब सिचुएटेड चेन्स प्रेजेंट थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, विच चेंज दैट मिथाइल, यानी वो मिथाइल के अंदर चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और ये रिएक्शन किसके अंदर चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट क्या है, कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड देन एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्या है कि कोप्रोपोरफायरिन ओजोन जो थर्ड है वो किसमें एंटर कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वापिस एंटर कर जाता है। नेक्स्ट, वेयर इट्स कन्वर्टेड इंटू प्रोटोपोरफायरिन बाय द एंजाइम कोप्रोपोरफायरिन ऑक्सीडेज। यानी जहां पे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोपोरफायरिन ओजोन एट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोटोपोरफायरिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है, कोप्रोपोरफायरिन ऑक्सीडेज। तो शुरू से देखिए कि यूरोपोरफायरिन ओजोन थर्ड कन्वर्टेड इंटू कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड बाय डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। सबसे पहले यूरोपोरफायरिन ओजोन जो थर्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए आपको, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए बाय ऑल द एसीटेट विच चेंज दैट मिथाइल। यानी आपको पता है यूरोपोरफायरिन ओजोन थर्ड में कौन सा सब सिचुएटेड चेन प्रेजेंट होती है, एसीटेट, और कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड में कौन सी चेन प्रेजेंट होती है, मिथाइल। तो एसीटेट किसमें चेंज हो गया, मिथाइल के अंदर। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और यह रिएक्शन किसके अंदर चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट, कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड देन एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर आपने जो यूरोपोरफायरिन ओजोन थर्ड से कोप्रोपोरफायरिन ओजोन थर्ड बनाया है वो किसमें एंटर कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वेयर इट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटोपोरफायरिन बाय द एंजाइम कोप्रोपोरफायरिन ऑक्सीडेज। जहां पे क्या है कि कोप्रोपोरफायरिन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिन के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, कोप्रोपोरफायरिन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट, प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज, जिसके अंदर क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटोपोरफायरिन। फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका ऑक्सीडेशन होता है, प्रोटोपोरफायरिन का। किसके अंदर होता है, टू प्रोटोपोरफायरिन। यानी प्रोटोपोरफायरिन एट तो जो थी वो किसमें कन्वर्ट होती है, नाइन के अंदर कन्वर्ट होती है, इज कैटलाइज बाय माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज। और जो प्रोटोपोरफायरिन एट है जो किसमें कन्वर्ट हो रही है, प्रोटोपोरफायरिन नाइन में कन्वर्ट हो रही है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो कौन से एंजाइम के द्वारा हो रहा है, प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा हो रहा है, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है आपकी, लास्ट स्टेप, यानी स्टेप फोर, फॉर्मेशन ऑफ हीम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन। यानी प्रोटोपोरफायरिन तक आपने पोरफायरिन रिंग बना ली है, जिसमें चार तो पायरोन रिंग है, मिथाइलिन ब्रिज है, वो पूरी तरीके से फॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट, दिस इज फाइनल स्टेप इन हीम सिंथेसिस। यानी हीम सिंथेसिस के अंदर आयरन का पोरफायरिन रिंग में अटैच होना कौन सा स्टेप है, फाइनल स्टेप है। इट इन्वॉल्व द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरन इनटू पोरफायरिन इन दिस रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि जो पोरफायरिन रिंग आपने बनाई है, यानी प्रोटोपोरफायरिन, उसके अंदर कौन इनकॉर्पोरेट होगा, आयरन का मॉलिक्यूल इंटर करेगा और वो अटैच हो जाएगा पोरफायरिन रिंग से। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फेरोसिलिटेज एंजाइम। और यह जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा कैटलाइज की जाएगी, यानी किसके द्वारा स्टिमुलेट की जाएगी, फेरोसिलिटेज एंजाइम के द्वारा। हीम पार्ट इज कंबाइंड विद ग्लोबुलिन चेन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। और इसके अंदर क्या होगा,
हीम जो पोर्शन आपने बनाया है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? फिर ग्लोबुलिन के साथ अटैच हो जाएगा। ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन पोर्शन है जिसके अंदर दो अल्फा दो बीटा चेन प्रेजेंट है, और वो क्या बना लेगा? हीमोग्लोबिन। तो यहां तक आपने देखा कि स्टेप फर्स्ट के अंदर तो आप क्या बनाते हो? सक्सिनाइल कोएंजाइम में प्लस ग्लाइसिन को मिला के क्या बनाते हो? पोर्फोबिलिनोजन तक बनाते हो। स्टेप सेकंड के अंदर पोर्फोबिलिनोजन को किसमें कन्वर्ट करते हो आप? यूरोपोरफाइरिनोजन में। और फिर थर्ड के अंदर यूरोपोरफाइरिनोजन को किसमें कन्वर्ट करते हो आप? यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड को किसमें कन्वर्ट कर लेते हो? प्रोटोपोरफाइरिनोजन के अंदर। और स्टेप फोर के अंदर जो प्रोटोपोरफाइरिन आपने बनाया है यानी पायरोल रिंग यानी पोरफाइरिन जो आपने बनाया है उसके अंदर क्या अटैच हो जाता है? आयरन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। और आयरन का मॉलिक्यूल जब प्रोटोपोरफाइरिन के अंदर अटैच होता है तो वह जो स्टेप है वो क्या, वो जो स्टेप होता है वो क्या फॉर्म कर लेता है? हीम फॉर्म कर लेता है। और हीम के साथ जब ग्लोबुलिन प्रोटीन अटैच हो जाती है तो क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस यानी हीम सिंथेसिस को कौन सी चीजें मेंटेन करती है। तो सबसे पहले क्या है? सिंथेस डेल्टा अमाइनो लियोलिनिक एसिड इज द की रेगुलेटरी एंजाइम इन हिपेटिक बायोसिंथेसिस ऑफ हीम। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप था जिसके अंदर ग्लाइसिन प्लस में सक्सिनाइल को एंजाइम ए क्या फॉर्म करते हैं? डेल्टा एमाइनो लियोलिनिक एसिड फॉर्म करते हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? डेल्टा एमाइनो लियोलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। वो क्या है? हीम सिंथेसिस का रेगुलेटरी स्टेप है यानी उसको मेंटेन करने वाला स्टेप है। क्योंकि आपको पता है जब सबसे पहला जो प्रोसीजर है किसी चीज की शुरुआत ही नहीं होगी तो आगे नहीं फॉर्म होगी नहीं बनेगी, तो वो क्या है? एक रेगुलेटरी स्टेप है। नेक्स्ट क्या है? फैक्टर दैट इफेक्ट हीम सिंथेसिस यानी ऐसे फैक्टर्स जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा एक ही कंटेंट है जो क्या है? मेटल है। कौन सी? लेड। पीबी जो क्या करती है? इनहिबिट स्टेप कैटलेज बाय एएलए डिहाइड्रेटेज। जो क्या है? जो लेड है अगर प्रेजेंट हो ह्यूमन बॉडी में तो वो क्या है? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में दो स्टेप को इनहिबिट करती है। पहली तो क्या है कि जो एमाइनो लियोलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है, और दूसरी स्टेप क्या है? फिरोसिलिटेज एंजाइम के द्वारा जो स्टिमुलेट की जाती है यानी जिसके अंदर प्रोटोपोरफाइरिन के अंदर जब आयरन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है वो स्टेप क्या है? लेड क्या है? इनहिबिट कर सकती है, उसको दबा सकती है, उसको आगे होने से रोक सकती है, स्टॉप कर सकती है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो किसके अंदर किसके ऊपर होगा? हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन के अंदर। आपने अभी तक क्या पढ़ा है? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जिसके अंदर हीमोग्लोबिन बनता है। और आगे क्या होता है कि 120 दिन जब आरबीसी के लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो ही आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के होके क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन को बाहर निकाल लिया जाता है। तो वो स्टेप क्या है? हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन जिसको आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने नोट शुरू से लेके और जो ऑनलाइन क्लासेस जब तक चलेगी वहां तक कंप्लीट कर लें। और कॉलेज के अंदर आपके जो नोट्स हैं वो क्या है? क्लास टीचर के द्वारा चेक किए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल।